नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान एकजुट होकर करे आतंकवाद के खिलाफ काम, कहा कनाडा के एमपी ने। पठानकोट आतंकी हमले के चलते शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर सिंह, निर्दोष हैं, कहा परिजनों ने। अमृतसर में एक लूट की वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब खबरें विस्तार से। आज अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह पनोरमा के मीटिंग हॉल में नगर निगम के मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा, नगर निगम के कमिश्नर श्री प्रदीप सभरवाल, सीनियर डिप्टी मेयर सरदार अवतार सिंह ट्रक्कावाले और डिप्टी मेयर श्री अविनाश चौली की अध्यक्षता में नगर निगम के सभी कर्मचारियों और मैकेनिकल स्वाइपिंग के जो टेंडर भरे हुए थे उस कंपनी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की गई। इस मौके पर नगर निगम के मेयर ने पत्रकारों को जानकारी देते कहा कि जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया है वह पहले लुधियाना और मोहाली में काम कर रही है। रेट ज्यादा होने के कारण वह दोबारा इस टेंडर को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करेंगे। आज एफएनसीसी की मीटिंग मैकेनिकल स्वीपिंग वास्ते जड़ा सी टेंडर लगाया है सी उदे वास्ते बुलाई गई सी। कंपनी जड़ी कि ऑलरेडी मोहाली काम कर रही है और लुधियाने च काम करने वाली है, उन्होंने टेंडर भरिया सी। जिसले असी टेंडर खोलिया सी उसले ही असी ऑब्जरवेशन देती सी भी साडा अमृतसर च रेट ज़्यादा दिता गया, मोहाली दे विच 97,000 पर किलोमीटर दे उत्ते है काम कर रहे ने, लुधियाने भी उही रेट है। उदे च कंपनी दे कहन दे मुताबिक कुछ फर्क है उत्थों दे इत्थों दे काम च, लेकिन इन्ना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन रेट 3,50,000 रुपया इन्होंने पर किलोमीटर भरया है। सो अज सारिया ने एफ एन सी सी दे विच यूनानीमसली यह डिसाइड किया है कि इस मतलब जो टेंडर नू कैंसल किया जाए और नवा टेंडर इमीजिएट अखबारों के विच लगाने की परमिशन देती है कि होर जड़ियाँ, क्योंकि एको ही कंपनी का टेंडर आया सी उदे वास्ते भी सानू बड़ी प्रॉब्लम सी और अपना उदे करके भी असी मतलब जड़ा सी कहा है। लेकिन नाल भी इस कंपनी नू कहता है कि अगर वह मोहाली और लुधियाना जड़ा 97,000 रुपया रेट हो उत्थे इन्होंने भरिया वै उस ही रेट पर यह काम करना चाहते ने तो अमृतसर के विच भी काम कर सकते ने। 24 आवर्स का इन्हों असी टाइम दिता वै, अगर 24 आवर्स के विच अगर यह ऑफर सेम नहीं देंगे, यह रेट नहीं मतलब घटाते अपना 3,97,000 नहीं करते, तो फिर असी नवा टेंडर ला के नवी कंपनियां नू इनवाइट करांगे, बुलावांगे, फिर जो भी होएगा वो सारा फिर एफएनसीसी विचार करांगे। जिला पद्धर की तरफ से गणतंत्र दिवस समागम हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को स्थानक गुरु नानक स्टेडियम में देशभक्ति के जज्बे और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ये जानकारी विधायक डिप्टी कमिश्नर सरदार तेजेंद्र पाल सिंह संधू के स्थानक बचत भवन में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों संबंधी मीटिंग को संबोधित करते दी। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस संबंधी रिहर्सल 20, 21 और 22 जनवरी को गुरु नानक स्टेडियम में होगी, जबकि फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी को होगी। इस दौरान समारोह के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन करते हुए अधिकारियों को ड्यूटीज भी सौंपी गई। इस मौके पर नगर निगम के संयुक्त कमिश्नर सरदार परमजीत सिंह, आईपीएस अधिकारी श्री सुरेंद्र लांबा, एसटीएम श्री रोहित गुप्ता के अलावा अलग अलग विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हुए। 26 जनवरी 2016 की बड़ी धूमधाम नाल मनाई जाएगी, इस संबंध में वक् वक् डिपार्टमेंट की यही मीटिंग की है, उन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई है कि यह जो कौमी महत्व वाला दिवस है इन बहुत ही लगन नाल ते देशभक्ति की भावना नाल मनाया जाए। इतने विशेष तौर पर इस सिक्योरिटी अरेजमेंट्स बारे भी किया वा, असी पुख्ता जोड़े आ सिक्योरिटी अरेजमेंट्स करिए कि सारे ही जो शहरी ने बिना किसी खौफ के बिना किसी डर के इस समागम में भाग लै सकन, तो जो अपना देशभक्त का जज्बा वह प्रकट कर सकन। जो सारे ड्यूटियां लगाई हैं जिस तरह की असी जे वी वी आई पी आ रहे उस लागे उन्होंने वास्ते जिस तरह अभी झंडे की रस्म होंगी है
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਆਈਟਮਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਮ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੌ ਜਾਂ ਖੌਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। कनाडा के ओंटेरियो प्रांत के विपक्ष के नेता और एमपी पैट्रिक ब्राउन अमृतसर आए। इस मौके पर उन्होंने अपनी वफद के सदस्यों के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनकी टीम के कई सदस्य उनके साथ मौजूद थे और ये वफद पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा केरल का दौरा करेंगे, जहाँ ये व्यापारिक संस्था के साथ मीटिंग करके अपने प्रदेश में व्यापार को प्रफुल्लित करने के कार्य करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके प्रांत ओंटेरियो और साथ ही पूरे कनाडा के अंदर सिखों का अहम योगदान रहा है और हर क्षेत्र में सिखों ने योगदान दिया है। Apologies for being here late. I think I'm half Indian. I now work on Indian Standard Time. I was delayed at the border, but it is great to be back in India. This is my 16th trip to India. This is my 9th visit to the Golden Temple. I had previously been to the Golden Temple with the Canadian Prime Minister, with the Minister of Immigration, and it is a real honor now to be here as the Ontario opposition leader. This is a very special place. In Canada, the Sikh population has made accomplishments like no other community. The Sikh population has had success in every aspect, whether it's in hospitality, whether it's in small and medium, big businesses, arts, entertainment, commerce, sports. The community has had tremendous success. And as we all know, Amritsar is the spiritual home of Sikhs. The Golden Temple is the place that every Sikh hopes in their lifetime they get to visit. And so I'm here, one, because the Sikh population in Canada is fundamentally important. Two, I'm here to pay my respect to this wonderful place and to be available to the Sikh community in Canada that very much feels tied to the Punjab. This very much still feels tied to Amritsar. And I can tell you, we are working closely with the Sikh in India and in Canada on issues of importance, whether it's an education, getting more students coming to Canada, whether it's on our collective efforts to combat terrorism, whether it is on the agriculture. One knows that the Punjab farmers are some of the best in the world, and in Canada we take agriculture very seriously as well. Whether it is on the incredible emergence of the cultural talent in the Punjab that is evidenced in cities like Brampton and Mississauga in Toronto. You know, it's an exciting time for Sikhs in Canada. We have four cabinet ministers now in the federal parliament of Sikh ancestry. We are seeing Sikhs in accomplished light in every level, and I am here in India for the next 12 days with five members of the Progressive Conservative Caucus, five MPPs, a large delegation which is with the ICCC, the Indo-Canadian Chamber of Commerce, and we're very much looking forward to listening, to learning, to see how Canada can be more present in India, more present in the Punjab. A supporter of mine once said, "Patrick, God gave you two ears and one mouth.
listen more than you talk. And we're here to take notes. How can Canada be a good friend to the Punjab, Ontario, be a good friend to the Punjab, India, due to seeds? Very special friendship grow even stronger. You know, my sense is that every country, whether it's Pakistan, whether it's India, whether it's Canada, find terrorism to be deplorable. Let me say, terrorism can arise anywhere. You know, away from a terrorist attack on our Parliament building, and that was from someone who grew up in Canada. The reality can be initiated anywhere in the world, and we have to understand the way we fight back is we don't blame each other, we work together. In terms of the Sikh community in Canada, one issue that I'm working with the community on is the fact that the government of Ontario is not allowing Sikhs to ride their motorcycles with a turban. As we respect it in every fashion, whether it's a motorcycle, whether it's in a gurdwara, or whether it's in the privacy of your own home. And, you know, that, for the most part, Canada is a wonderful example of multiculturalism at its best, but there are some small issues and we're working on them. I don't view terrorism is being owned by any one group, and when the media attempts to attach it to a group, I think that's unfortunate. Labels. Those type of labels breed division, and we have to remember we're all in this together. And so those that talk about Sikh terrorism, I say you're wrong. I say that is an unfair unfair branding of the community, and that it's not right. And so I have to say I think the media in Canada has been more sensitive to that. We don't use labels. पठानकोट में एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां एयरफोर्स का ही एक जवान जो कि एयरफोर्स में बतौर नायक के पद पर तैनात था उसने अपने पद का गलत उपयोग करते हुए एयरफोर्स स्टेशन की कई खुफिया जानकारियां दुश्मन देश पाकिस्तान और दूसरे देशों को दी थी जिसके बारे में जब एयरफोर्स के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है और उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा अथॉरिटीज ने एक लड़का हवाले किया उन्होंने अपना नायक कोबल सुनील कुमार पुत्र रहमत राम पार्टी वासी थाना भोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोधपुर ये लड़का 10+2 नॉन मेडिकल पास हैगा 2008 तो ये एयरफोर्स भर्ती होया पहले वडोदरा सीगा हुण ये एयरफोर्स स्टेशन बाग पठानकोट से काम कर रहा 2010 तो इस लड़के ने भर्ती होने बाद अपनी फोटो यूनिफॉर्म ऑर्कुट नेटवर्क से पाती और फ्रेंडली रिक्वेस्ट की इन्हें इना एक लड़की ने मीना रैना बन के कॉन्टैक्ट किया और उन्हें इन्हें चैटिंग स्टार्ट कर दी चैटिंग स्टार्ट करके उन्हें क्या कि मैं पहले उन्हें क्या मैं इंडिया किसी जगह क्या मैं गांधीनगर रहने वाली हैं बाद उन्हें क्या था मैं स्वीडन शिफ्ट हो गई हैं उन्हें ये झूठ मारिया कि मैं किसी एजेंसी वास्ते कम कर दी हैं जिन्हें भी एक्सीडेंट केस होंगे वर्ल्ड अभी उन्होंने डाटा इकट्ठा करते हैं और मैं कई होर एजेंसी वास्ते यह इनफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी हैं जो तू मेरी मदद करें तो मैं पैसे देंगी तो मेरी मदद कर रही है वो इन्हें सैक्सी गल कर दी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्हें कर लिया ये यंग लड़का से अनमैरिड वो गलों च आ गया एक्चुअली वो एक फॉरन एजेंट सी और उन्हें इनू अपनी गलों चो लिया के ये तो इनफॉर्मेशन लैनी शुरू करती हौली हौली एयरफोर्स बारे ये अकाउंट्स पैसे ट्रांसफर करने शुरू करते ये भरा के अकाउंट्स पहली बार उन्होंने 13,000 रुपया ट्रांसफर किया बाद अकाउंट्स बैंगलोर उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने शुरू करते ये देशद्रोही ये उन्होंने सारी इनफॉर्मेशन हौली 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 पास करी गया सो एज पर हूँ तक इनफॉर्मेशन मुताबक ने काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मेशन उन्होंने लीक करती है पास करती है उन्होंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ में शक होया उन्होंने अपनी सर्वलेंस इनू पकड़िया गया उन्होंने पकड़ के साढ़े वाले किया असी इनू ये खिलाफ़ असी IPC ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और जोड़ा है अनलॉफुल प्रोवेंशन एक्टिविटीज एक्ट से काफ़ी धारा के खिलाफ़ उसके खिलाफ़ परचा दर्ज कर लिया और असी इन गिरफ्तार कर लिया है
होपफुली जो शाका होंदा ही या शी इज अ पाकिस्तानी एजेंट ओनली पाकिस्तानी एजेंट ही है होर किसी कंट्री नू छड़ना है ना नहीं उन्होंने ही कीता होगा। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में जहां सुरक्षा का दायरा मजबूत किया जा रहा है वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे अटारी रेलवे स्टेशन के साथ साथ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं इसके चलते आरपीएफ के डीजीपी राजीव राजन बमरा आज अमृतसर आए। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर के रेलवे स्टेशन का दौरा किया, साथ ही उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा भी टेका। इस दौरान उन्होंने बताया कि पठानकोट की घटना के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और जो सामान दोनों देशों में आ जा रहा है उसकी चेकिंग भी की जा रही है। रेलवे हमेशा से बहुत ही सतर्क रहा है क्योंकि यह क्षेत्र हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। हमारे आईजी साहब हैं और इनके कमांड साहब सब लोग रात दिन इस प्रयास में लगे होते हैं कि कोई वारदात नहीं हो। आप सबको पता है पहले जम्मू में और इस क्षेत्र में एक दो वारदातें हो चुकी हैं जिसमें सीमावर्ती इलाके से कुछ टेररिस्ट के आने की बात साबित हुई है और इस मद्देनज़र ऐसे भी हम लोग हमेशा मुस्तैद रहते हैं, सतर्क रहते हैं। लेकिन जब ये घटना हो गई पठानकोट की तब और एक बार पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहीं कोई खामी न रह गई हो यह देखने के लिए वरीयतम स्तर से इसकी समीक्षा होनी चाहिए और उसी के मद्देनज़र मैं आया हूँ। सुरक्षा बढ़ाने का जहाँ तक संबंध है उसमें हम लोगों ने अन्य इलाकों से बल लाकर विशेष रूप से खासकर जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं और जिस अवधि में ज़्यादा हमारे ऊपर खतरे की आशंका है उस अवधि में विशेष बल की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पहले से हमारा जो श्वान दल है, बम निरोधक दस्ता है, जितने भी लोग हमारे पैसेंजर आते हैं उन पर नज़र रखी जाती है कि वे लोग कोई उसमें कोई ऐसा व्यक्ति न छुपा हो जो हमारे आम यात्रियों को, पैसेंजर गाड़ियों को, रेल संपत्ति को, रेल के परिचालन को किसी तरह से प्रभावित करे। तो इस तरह के हम लोग नज़र रखते हैं। लोगों को बीच बीच हमारी सफलताएं मिली हैं, लोगों को हमने पकड़ा भी है और इस तरफ मैं समझता हूँ मेरा आरपीएफ, यहाँ की जीआरपी और रेल प्रशासन तीनों मिलकर न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि रास्ते के ट्रैक और जितने भी पुल हैं, पुलियाँ हैं, सब पे हम नज़र रखे हुए हैं कहीं कोई ऐसी वारदात न कर सके जिससे कि रेल परिचालन को, रेल यात्रियों को और रेल की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे। वहाँ पे बहुत मुस्तैद सुरक्षा है, बहुत पहले से एक वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। वहाँ पे जो भी आपने देखा होगा, आप गए होंगे अवश्य, कि किस तरह से गाड़ियाँ आती हैं, उनको रोक के उनकी तलाशी ली जाती है, तब दूसरे देश में प्रवेश करता है। तो उस तरफ हम न सिर्फ तलाशी के माध्यम से बल्कि लगातार नज़र रखने के माध्यम से ड्रग पेडलिंग के लिए, आतंकवादियों के आने के लिए, विस्फोटक के लिए, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, इन सभी तरफ हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, जागरूक हैं। समझौता के लिए खास कर क्या है? समझौता या कोई समझौता है इस तरह की जो अक्रॉस दी बॉर्डर हमारा जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। आधुनिक यंत्र काफ़ी लगे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी यात्री हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि रेल बल में, रेल सुरक्षा बल में विशेष रूप से एक व्यवस्था की गई है कि 182 आप जहाँ भी रहें, चलती गाड़ी में या रेलवे स्टेशन पे आप 182 पे अगर डायल करते हैं तो नियरेस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में यह फ़ोन लैंड करता है और वहाँ से आप अगले स्टेशन पे या जिस स्टेशन पे आप हैं, आपकी सूचना के मुताबिक हमारे रेलवे सुरक्षा बल के पदाधिकारी और आरक्षी पहुँच कर आपकी जिस तरह की भी परेशानी हो उसका निराकरण करते हैं। ये तो एक मेरी हमारी व्यवस्था हो गई लोगों तक पहुँचने की। इसके अतिरिक्त जो आपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की बात कही, सीसीटीवी पहले से कई स्टेशनों पे है, अमृतसर में भी जल्द ही आने वाला है और इस क्षेत्र के कई स्टेशनों पे आने वाला है। और जो हमारी मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उसमें न सिर्फ सीसीटीवी, बैगेज स्कैनर, HHMD, DFMD और इवन जो वेपर डिटेक्टर होते हैं, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, EVD जिसको कहते हैं, इन सब की व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे करेंगे। पठानकोट में आतंकी हमले में शक की सुई इस समय पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह के ऊपर आ गई है क्योंकि वह हर बार अपने बयान बदल रहे हैं। SP सलविंदर सिंह 86 बैच के हैं और अमृतसर के जय सिंह चौक के रहने वाले हैं। इस समय SP के घर
उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। एसपी सलविंदर के पिता निर्मल सिंह बीएसएफ में थे और 1965 की जंग में शहीद हुए थे। उसके बाद उनके परिजनों को परमवीर चक्र मिला था। वहीं एसपी के परिजन इस समय भगवान के सामने अरदास कर रहे हैं कि एसपी सलविंदर सिंह जल्द ही इस मामले से बाहर निकले। वो कभी पहले उस रास्ते से आए भी नहीं, अब वहां से उन्होंने टर्न किया। पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि एक नाका था, अब दूसरा भी एक जैसे एक नाका उन्होंने आया, जो उनका फ्रेंड राजेश कुमार वर्मा था वो गाड़ी चला रहा था। तो जैसे वो उन्होंने शीशा से किया तो पापा ने जैसे कि बताया कि वो अंदर घुस गए सारे और उन्होंने लाइट्स ऑफ और कर दी। बाबा जी की इतनी कृपा थी कि उनको हमारी नीली बत्ती भी नहीं नजर आई, जो लाइट थी इतनी कृपा थी। अगर उनको पता होता ना तो एट द स्पॉट उन्होंने उसी टाइम पे खत्म कर देना था पापा को। ऐसे वो आए, पापा ने जैसे बताया आंखें बंद कर दी, मेरा मुंह बंद कर दिया, मेरे हाथ बांध दिए पीछे को करके और नीचे करके गर्दन नीचे कर दी और बोला कि अगर आप हिले तो आपको गोली लग जाएगी। तो आगे जाके जैसे पापा ने बताया कि आगे चल के कुछ कच्चा रास्ता था, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ पे उनको फेंक दिया गया। जब फेंक दिया गया तो पापा कह रहे कि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हाथ जो थे ठंड लग रही थी उनको। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हर एक इंसान पे ऐसे बीतेगी तो तब उनको पता चलेगा कि जब एक इंसान आपको बता रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं, गलत क्या किया। मुझे लगता है कि सिर्फ वो बाबा जी के घर पे चले गए मत्था टेकने और सिर्फ उनकी यही गलती थी। अगर ठीक है, अगर उनको भगवान ना करे कुछ हो जाता तो फिर आपकी सरकार जो है वो ये कहती कि नहीं जी ये बंदा जो है वो शहीद हो गया। तो जब आपको इस बारे में पता चला फिर आपने अपने पापा से संपर्क किया? उनके फोन सारे बंद थे और हमने उसके बाद संपर्क नहीं किया, तो हम सीधा गुरदासपुर चले गए सुबह ही और पापा रात को घर पे आए थे। तो उसके बाद पापा ने आपको क्या बताया? पापा ने ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कुछ बताया कि मैं कैसे बचाऊँ, मैंने अपनी हिम्मत करके कैसे मतलब ये हाथ वगैरह खोले और कैसे मतलब जो था उनका कुक मदन उनको भी कैसे खोला और वहाँ से कैसे नाले पार किए, ड्रेन पार किए, जाके आसपास के लोगों को खड़काया। सुबह का टाइम था 3 बजे का, कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलता और एक शायद दरवाज़ा खुला था उसके अंदर चले गए पापा, उन्होंने चाय वगैरह वो भी यकीन ना करें। फिर पापा के पास बाई चांस एक फ़ोन रह गया, जैसे कहते किस्मत, वो फ़ोन रह गया उनके पास। उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, वो कहते हमारे यहाँ पे आप मतलब बात मत करो, आप पठानकोट के जो है वहाँ पे कंट्रोल रूम में बात करो, आप यहाँ पे मत बात करो। इस बारे में क्योंकि डिपार्टमेंट का मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में कि उनका डिपार्टमेंट क्यों ऐसे मतलब उनके बारे में ऐसे बोल रहा है, ना मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो क्यों ऐसे बात करें, क्योंकि घर पे आके कभी पापा ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मेरी किसी से ऐसा कुछ है। पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, बस उनकी जान बच गई। मैं मुझे और कुछ भी नहीं दुनिया में चाहिए, कुछ ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे पापा की जान बच गई, मुझे और कुछ भी इस दुनिया में नहीं चाहिए। कि मैं सोचती हूँ कि हर एक दुनिया की लड़की अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती होगी और वो भी उसको भी यही मतलब समझते होंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उनको गोली लग जाती या उनको मार दिया जाता तो फिर क्या होता उसके बाद। फिर मतलब आज वो ठीक है, जिंदा बच गए, भगवान की बहुत कृपा थी क्योंकि वो बहुत मानते। आप देखिए तो हमारे घर पे भी वो ख्वाजा पीर जी का वो है, यहाँ पे स्थान रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पे पापा के भी जाएंगे वहाँ पे भी उनके एक रूम बनाया गया अलग से। हम हर मतलब अजमेर जाते हैं, वो बहुत मानते हैं इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान में भी ताकत होती है बचाने की? आज तक उन्होंने की है, मुकेरिया की है, होशियारपुर की है, अमृतसर में की है, यहाँ गुरदासपुर में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनमें कोई फॉल्ट है या कोई बात है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई जो भी हुआ है वो बहुत गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड वो बिल्कुल निर्दोष हैं। वो जैसे हम गए थे बाबा जी के गए थे, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। जहाँ तो हो ना वो किसी और मतलब के स्थान पर गए हैं, तो हम भी कहें भी वो गलत है। अभी तक कोई उनका गलत काम कभी किया ही नहीं है, ना ही वो कर सकते हैं ऐसा काम। जिला तरनतारन के नज़दीकी गांव पलासौर में गांव में स्थित 300-400 साल पुरानी बाबा अब्दुल शाह जी की मस्जिद को बीते दिनों करीब 100 लोगों की तरफ से जेसीबी के साथ
तोड़ दिए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है, जबकि थाना सिटी तरनतारन की पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस संबंधी जानकारी देते गांव के ही एक निवासी का कहना है कि गांव में पिछले तकरीबन 400 साल पुरानी बाबा अब्दुल शाह जी की मस्जिद है, जिस पर हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद के सामने एक गुरुद्वारा साहिब है, जो कि कुछ लोगों का मानना है कि इससे गुरुद्वारा साहिब का अपमान होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी रंजिश के चलते गांव में 100 के करीब नौजवानों ने अपने तेज धार हथियारों के साथ आकर जेसीबी के साथ मस्जिद को गिरा दिया। राम जी सुखचैन सिंह लाडी पिंड पलासौर दा सी का जी मैं इत्थे जी कल जहेदार सिंह आए आ उन्हां आण के ते दरगाह उत्ते हमला बोलता जी दरगाह ढाती आ यह 500 साल पुरानी दरगाह वा साढ़े नाल धक्का होया जी हाँ जी पिंड दे विच दरगाह वा जी हाँ जी वो जी बहुत जने ही 40-50 जने ही उन्होंने को रैफल हथियार नंगे उन्होंने को हथियार ही साढ़े कोई बंदा गाह नहीं हो सकता साढ़े को जी DSP आए SSP आए उन्होंने अं मंग पत्र दिता जे साडियां मंगा नहीं पूरिया होंदियां तो अं कल कल के दिन परसों की कोठी ढा देंगे हाँ जी साड़ी ये मंग है जी साड़ियां मंगा पूरियां हुण पिंड पलासौर विच जिहड़ी बाबा दरगाह दी पीड़ी जगह सी कोई शरारती अंसरां ने जिहड़ी कल दी बिल्डिंग दी चार दीवारी तोड़ दित्ती सी ते उस टाइम मौके ते मैं कल अपने मेरे SHO साहब मेरे डिप्टी साहबां ते मैं आप खुद मौके ते आया हाँ मौके ते आ गए तुरंत जिहड़ी FIR दर्ज कर दित्ती है ते 5 दोषी जिहड़े असीं मौके ते विच अरैसट कर लिया बाकी दोषियां नूं जिन्हां खिलाफ पर्चा दर्ज होया है जां जो साडी तफ्तीश च होर आउणगे उन्हां नूं जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। अमृतसर में एक होटल व्यवसायी की बेटी से उसी के घर के बाहर कुछ लुटेरों द्वारा लूट की गई, लेकिन लुटेरों को ये नहीं पता था कि जहां वे लूट कर रहे हैं वहां CCTV कैमरा लगा हुआ है। लूट की सारी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। वहीं SP कुलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि CCTV फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये जो इसमें जो वीडियो फुटेज भी देखा है उसमें उसके हिसाब से गाड़ी में लेडी जो अपने घर आ रही है उसके घर में घुसने से पहले ही जब वो पीछे से मोटरसाइकिल पे आए हैं और मोटरसाइकिल से उतर के उसने बड़ी जोर से जो शीशे के ऊपर मार के शीशा तोड़ दिया और जो बैग था वो लेडी का वो लेके वो भाग गए। तो ये वारदातें तो होती हैं लेकिन ये इस टाइप की जो है जो ईंट मार के जो ये वारदात है इसको इसने बहुत पैनिक क्रिएट किया है तो इसके लिए हम पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ये ट्रेस हो जाएगा। और इसके लिए हमने अलग से कुछ टीमें बना के जो इस वारदात को ट्रेस करने के लिए कुछ सिविल में कुछ नाकाबंदी वगैरह करा के कुछ टीमें बना के हमने इसकी पूरी जोर शोर से हम इसको जो इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतसर CIS स्टाफ ने चाइना डोर की बिक्री करने वालों के पास से भारी मात्रा में चाइना डोर के गट्टू बरामद किए हैं। इस अवसर पर ADCP क्राइम लखबीर सिंह ने बताया कि चाइना डोर जहां मनुष्य और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होने वाला आधुनिक प्लास्टिक वाला धागा है, वहीं उसके कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। फिर भी इसके बावजूद लोग इस गौरव धंधे को अपनाए रखे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना डोर के खिलाफ और सख्ती करते हुए पुलिस द्वारा अब बेचने वालों के साथ साथ प्रयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। संबंधी ऐसी प्रॉपर अपनी टीमें CIA दी बनाई है ते थाने वालों ने स्पष्ट हदायत की हुई है भी जिते किते कोई डीलिंग हैगी है जिते भी किते कोई गट्टू डोर संबंधी चाइनीज डोर संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उन्होंने काबू करके इमीजिएटली उत्ते कार्रवाई की जाए। साढ़े को गिनती एट प्रेजेंट फिगर तो नहीं दे सकता पर हरेक थाने के आलमोस्ट केस तो अभी दर्ज किया ही गट्टू उन्होंने डिविजन के जो हूँ असी सुरेंद्र कुमार को एक फड़िया 200 गट्टू वो फड़िया तो एक असी इस्लामाबाद के 70 गट्टू उत्थे फड़े CIA साढ़े CIS स्टाफ की कार्रवाई है। मैं ये चाहना भी जेडे गट्टू की डोर यूज करते हैं ना मैं हूँ उन्होंने भी कार्रवाई करने लिए शिकंजा कसा जाऊगा ताकि गट्टू की डोर यूज करने वाले तो सूँ यह पता लगे भी लिया कितने ने ताकि असी उन्होंने प्रॉपरली शिकंजा कस सकी। इस खतरनाक डोर न वरतना अपनिया जाना जोखम च पाने के बराबर है इस करके मैं लोगों को यह अपील करनी चाहना भी इस डोर तो जिनी छेती हो सकता तौबा करन ताकि इंसानी जीव जंतुओं की जिंदगी का बचाव हो सके। जरूर करांगे जी जेकर सानू रिकवरी होंदी है गट्टू डोर जेकर यूज करने की कार्रवाई साढ़े सामने आती है असं जरूर कार्रवाई करांगे ते बेसिकली साडा कार्रवाई करना किसी नूं सजा देना नहीं उन्होंने इंसानी जिंदगी का महत्व समझाना। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यत्नशील सोसाइटी फॉर एक्सीडेंट एड और ट्रैफिक हेल्प की तरफ से 2016 का पहला ट्रैफिक जागरूकता
सेमिनार स्थानक रोहीवाला पुल पर लगाया गया, जिसमें राहगीरों को आने जाने के नियमों के प्रति जानकारी देने के साथ साथ प्रण पत्र कैंप के नियमों की पालना का संकल्प भी दिया गया। इस दौरान यूनियन अकेडमी से पहुंचे विद्यार्थियों ने भी लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे जागरूक किया। कैंप का उद्घाटन करते नेशनल कोऑर्डिनेटर सरदार रमनीक सिंह खेरा ने बताया कि संस्था की तरफ से पिछले 7 सालों से ज्यादा समय से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों से बचा जा सके। आईटी फॉर एक्सीडेंट एड एंड ट्रैफिक हेल्प साथ वालों आज ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसे यूनिवर्सल अकेडमी के स्टूडेंट्स ने सानू पूरा सहयोग दिता। अज ये कैंप ऑल ओवर इंडिया जिथे भी साथ दे यूनिट आ उत्थे चल रहा, तरन तारण तो शुरू होके तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, पूरे 17 स्टेटा च और तकरीबन 112 सिटी के अज कैंप चल रहा वा। एक टाइम तो एक वेले तरन तारण नैशनल बॉडी वालों अज इतने प्रण पत्र भरे जा रहे ने ट्रैफिक रूल्स की कमिटमेंट वास्ते। यूनिवर्सल अकैडमी के बच्चे लोगों को ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग अवेयर कर रहे हैं और उन्हें समझते हुए लोग इतने प्रण लै रहे हैं कि अज तो बाद ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ांगे। साड़ा मकसद ये है लोगों तक मैसेज पहुँचा कि ट्रैफिक रूल्स किसी संस्था के बैटरमेंट वास्ते नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के बैटरमेंट वास्ते नहीं है, ये लोगों की अपनी बेनीफिट ली है। उस तो बाद जो साड़ी यूनिट है अपने लैवल से हर जगह पर करते रहेंगे पूरा साल, जिस तरह तुम अगे भी मीडिया जानता कि साथ पिछले 9 सालों तो साल भर ही अवेयर करता वा, हर थान पर अवेयर करता, एक्सीडेंट चुकता, एक्सीडेंट विक्टम्स की हेल्प करता, रिपोर्ट ली है। पर उस तो बाद अज आ टीचा साडा तरन तारण जी नैशनल बॉडी वालों 500 प्रण पत्र भरन दा वा, उसी भर के ही कर जावांगे। विश्व सेहत संगठन की तरफ से नैशनल इम्यूनाइजेशन राउंड के तहत आम लोगों को पोलियो से मुक्त कराने के लिए ऑल जिला टास्क फोर्स की मीटिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सरदार तेजेंद्र पाल सिंह जी की अध्यक्षता में बचत भवन अमृतसर में की गई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर जय सिंह की रहनुमाई में ये मीटिंग अलग अलग ब्लॉक्स के सीनियर मेडिकल ऑफिसर, शहरी मेडिकल ऑफिसर, जिला प्रोग्राम ऑफिसर, ICDS, बिजली विभाग, पंजाब रोडवे, SIMA हॉल के मेंबर, पुलिस विभाग, रॉयट्री क्लब, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, मैनेजर इंडस्ट्रियल आदि ने शिरकत की। जिहड़ा कि 17, 18 ते 19 तरीक नूं कीता जा रहा है, उस बारे च मीटिंग की है। इस 17 तरीक नूं बूथ के उपर पल्स पोलियो दी जिहड़ियां ड्रॉप्स ने पिलाए जाणगे, ते 18, 19 नूं हाउस टू हाउस जा के जिहड़े छोटे बच्चे ने 0 तों 5 साल की एज के उन्होंने पिलाए जाणगे। इस संबंध के जिहड़े बच्चे ने कोई 3 लाख के करीब ने जिहड़े 0 टू 5 की एज के हैगे ने, इहदे विच असीं कोई 1442 जिहड़े ने साडे बूथ हैगे ने, जिथे ये पल्स पोलियो के ड्रॉप्स जिहड़े पिलाने वास्ते वक् वक् स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है, तो इतने जिहड़े पाउणगे। उस तो बाद जो 2 दिन है वह घरों घर ही जाके हाउस टू हाउस जाके जिहड़े बच्चे रह गए हैं उन्होंने पल्स पोलियो जिहड़ियां ड्रॉप्स पिलाई जाणगे, क्योंकि सरकार का बिल्कुल तैयार है, डिटरमीनेशन है कि असी जिहड़ी आ पल्स पोलियो के नाल ड्रॉप्स पिला के जिहड़ी पोलियो की जिहड़ी नामराद बीमारी आ वह रहन नहीं देनी बच्चों के। काफ़ी देर तो यदि असी मूवमेंट चल रही है, ये असी कामयाब भी होए हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब होए हैं, तो इन्हें जरा बिल्कुल असी एरीडिकेट ही कर देंगे ये भारत के पंजाब के। लोगों को यह अपील है कि बूथ के उत्ते आकर अपने बच्चों को लैके आओ, तो उन्होंने जो ड्रॉप्स से पिलाओ, क्योंकि उन्होंने बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों की सेहत का सवाल है, इस करके उन्होंने सारे ही अपने काम कर छड़ के अपनी जिम्मेवारी समझ के जो इनके बूथ के उत्ते आप ही आना चाहिए अपने बच्चों को। उसके बाद 2 दिन वास्ते टीम घरों घर भी जानी है कि कोई सपोज कर लो कोई गरीब आदमी है जो काम करते गया वो नहीं आ सकता, जब को जान का कोई साधन नहीं है, वो घर घर ही सारे टीम जानगियां, घर घर जाके भी ये ड्रॉप जी अपना। कादियां के नजदीकी गांव भाव में आज 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में हर साल की तरह इस साल भी नगर कीर्तन सजाए गए। MLA देसराज दुग्गा भी नगर कीर्तन में पहुंचे। ये नगर कीर्तन हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये नगर कीर्तन बाबा टहलदास से आरंभ होकर गांव के सारे गुरुद्वारों से होकर वापस शाम को बाबा टहलदास में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान सभी गुरुद्वारों में अटूट लंगर भी लगाए गए। इस मौके पर प्रधान सरदार करतार सिंह ने बच्चों को नशों से दूर रहकर गुरु जी की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित भी किया। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੱਤੀ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਸਨ ਕੀ ਪੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਡਿਆ ਪੱਤਾ ਦੀ ਪੱਤੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਗੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖੂ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਕੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਕੀ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਗਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ, ਕਸਮ ਖਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਬੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਰਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। भारत पाकिस्तान एकजुट होकर करे आतंकवाद के खिलाफ काम, कहा कनाडा के एमपी ने। पठानकोट आतंकी हमले के चलते शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर सिंह, निर्दोष हैं, कहा परिजनों ने। अमृतसर में एक लूट की वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।